अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द वेबिनार सेशन ऑन PSX आउटलुक। आज के सेशन में एक तो हम मार्केट की रीसेंट परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ आगे आने वाले दिनों में मार्केट के क्या प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो हम फोरसी कर रहे हैं, थोड़ी सी बात उसके ऊपर भी करेंगे। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रेजेंटेशन। जुलाई में हमने देखा कि पोलिटिकली ये एक बहुत ही इवेंटफुल मंथ था, जब से 15 आउट ऑफ 20 सीट्स जो हैं वो PTI ने पंजाब में विन की, और इसके बाद जो है वो CM के इलेक्शन में डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी जिसके नतीजे में उसने PMLQ के वोट्स को मुस्तरद किया, और इसके बाद जो है ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद करके परवेज़ इलाही को CM पंजाब बनाया। तो इस सारी पॉलिटिकल डस्ट के दौरान एक और इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी बहुत बड़ा हमें जो है वो सेटबैक देखने को मिला, जब हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 16 से 17% जो है वो जुलाई के मंथ में डेप्रिशिएट हुआ, तकरीबन 35 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन बनती है। और मेन रीजंस इसकी यही थी कि पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, और जो जो मैक्रो इकोनॉमी का एक फ्रंट था वो काफ़ी हद तक जो है वो निगलेक्टेड था। हमारा IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अभी तक हमें फर्स्ट ट्रांच की जो है वो डिसबर्समेंट नहीं मिली, और इसी के साथ साथ हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुका था। तो डॉलर्स की शॉर्टेज की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों की, एक तो गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी, इसके अलावा भी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और बहुत सारी जो हमारी इम्पोर्ट की LCs थी वो जो है वो खोलने से इनकार कर रहा था। तो इस सारी सूरत हाल में मार्केट के अंदर, खासतौर पर करेंसी मार्केट में, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी और एक फियर पाया जाता था, तो जिसकी वजह से हमने बहुत अच्छी खासी डेप्रिसिएशन देखी तकरीबन 17% की जुलाई में, और इसी चीज़ का इम्पेक्ट हमें मार्केट में, स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिला। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो तकरीबन 3.3% डिक्लाइन हुई जुलाई के मंथ में, और इसको अगर पॉइंट्स की बेस से बात करें तो ये तकरीबन 1391 पॉइंट्स जो हैं वो बनते हैं। और इसके साथ साथ वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम भी पूरे मंथ में तकरीबन 100 मिलियन से कम ही हमें देखने को मिले, मोस्टली KYC 100 के, 60 मिलियन 70 मिलियन इस रेंज के अंदर। तो थोड़ी सी ये वाली सूरत हाल थी, लेकिन उसके बाद जब से CM पंजाब बने परवेज चौधरी, परवेज इलाही, तो उसके बाद से काफ़ी हद तक जो है वो पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर हमें कुछ बेहतरी नज़र आई, क्योंकि पहले एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था अगर गवर्नमेंट में PTI की पंजाब में PTI की गवर्नमेंट आ जाती है तो जो पॉलिटिकल एजिटेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और वफाक को जो है वो किसी तरीके से काम नहीं करने देंगे, हो सकता है ये एहतजाजी पॉलिटिक्स की तरफ आ जाएं, लेकिन इस तरह की सूरत हाल फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रही, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है हमारी मार्केट के लिए भी और हमारे इकोनॉमी के लिए भी। रिसेंटली अगर हम अभी आज या कल की बात करें तो कल एक सडनली ECP ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि जो एक बहुत लंबा तकरीबन 7-8 साल से केस चलता हुआ आ रहा था PTI का, फॉरेन फंडिंग केस, उसके ऊपर जो है वो उन्होंने वर्डिक्ट देने का डिसीजन लिया। और कल सुबह से ही मार्केट में काफ़ी ये एंटिसिपेशन थी कि कोई बड़ा पॉलिटिकल अपसेट हमें देखने को ना मिले, लेकिन फॉर्चुनेटली जब रिजल्ट आया, जब वर्डिक्ट अनाउंस किया ECP ने, तो कोई ऐसे खास हमें नेगेटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिली, और उसी की वजह से बाद में मार्केट रिबाउंड हुई और पॉजिटिव जोन के अंदर क्लोज किया। आज की अगर हम बात करें तो आज मार्केट में काफ़ी हमें बुलिश मोमेंटम नज़र आया, और उसकी मेन रीज़न थी हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में बहुत काफ़ी हद तक जो है वो अप्रिशिएट हुआ है, तकरीबन आज 2 थर्टी 2 25 टू 2 30 रुपीज़ के करीब ये क्लोज हुआ है, जो कि तकरीबन 10 से 12 रुपये की अप्रिसिएशन बनती है। अब मेन रीज़न इसकी यही है जो पीछे हमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी काफ़ी नज़र आई है, इसमें एक तो काफ़ी हद तक कमी हुई है, और दूसरा ये है कि अगस्त कल हमें IMF की तरफ से जो है वो एक स्टेटमेंट सामने आई उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से कि पाकिस्तान ने तमाम प्री रिक्विजिट्स कम्प्लीट कर ली। अब उन प्री रिक्विजिट्स में क्या चीज़ें थी, इलेक्ट्रिसिटी की जो टैरिफ है वो इंक्रीज़ उनका नोटिफाई हो चुका है, फ्यूल के ऊपर मुकम्मल सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है, और उसके ऊपर अभी रिसेंटली 31 जुलाई को लेवी भी इम्पोज कर दी गई है। इसके अलावा गैस की प्राइसेस की जो नोटिफिकेशन है इंक्रीज़ की, वो 1 या 2 दिनों में हो जाएगी, डिस्काउंट रेट ऑलरेडी 15% पे आ गया है, मज़ीद आगे 22 अगस्त को जो MPC की मीटिंग है इसमें भी तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 से 150 पॉइंट तक जो है वो इजाफा किया जा सकता है।
और इसके अलावा अगर जियो पोलिटिकल सिचुएशन को भी थोड़ा सा एनालाइज करें तो कल हमने देखा कि यूएस ने अफगानिस्तान में एक ड्रोन अटैक किया है पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज़ करते हुए। तो इस तरफ भी हमें नज़र आ रहा है कि यूएस की जो भी डिमांड्स थी इस हवाले से उनको भी हमने तकरीबन फुलफिल कर दिया, तो अब कोई रीज़न नहीं रहती कि ट्रांच जो है वो हमें ना मिले। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए आज हमने देखा कि मार्केट में PKR ने जो पाकिस्तानी रुपया बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उसकी बेसिस के ऊपर हमारी स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 900 से 1000 पॉइंट्स की जो है वो तेज़ी दिखाई आज। तो आगे भी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल दो तीन जो हमारे इश्यूज थे मेजर, एक तो एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इशू बहुत बड़ा था, इन्फ्लेशन का इशू बहुत बड़ा था क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में कमोडिटीज़ की प्राइसेस बहुत इन्फ्लेटेड है। तो इस हवाले से जो है वो काफ़ी हद तक हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस डाउन होना शुरू हो गई हैं। अगर मेन जो कमोडिटी है क्रूड ऑयल की बात करें तो वो तकरीबन ब्रेंट 130-125 डॉलर से जो है वो इस वक्त 100 डॉलर से भी नीचे पर ट्रेड कर रहा है। पाम ऑयल की प्राइसेस देख लें, स्टील की, फर्टिलाइज़र की, तकरीबन हर चीज़ की जो है वो प्राइसेस इस वक्त काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी हैं और मज़ीद आगे नीचे जा रही है। तो इसका एक तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, एक तो इन्फ्लेशन हमारी यहाँ पे कम होगी, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी बाइंग पावर बढ़ेगी, इसके अलावा जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का एक बहुत बड़ा इशू है वो भी काफ़ी हद तक इससे रिजॉल्व होगा। और इसके अलावा हमें एक तो IMF से ट्रांच आ जाएगी, तो बहुत सारी हमारी जो फंडिंग की इशूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तकरीबन जो पेरिस क्लब है तकरीबन $10 बिलियन हमें वहाँ से मिलेंगे, कोई $2-3 बिलियन UAE सऊदीया वगैरह से जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वहाँ से मिलने के भी चांसेस मौजूद हैं। तो जितनी हमारे हमें तकरीबन 30-33 बिलियन डॉलर की इस साल में फंडिंग रिक्वायर्ड है वो फंडिंग भी हमें पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो जो एक डिफ़ॉल्ट की भी बातें पिछले कुछ दिनों से मार्केट में चल रही थी कि शायद पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है, तो इस सूरत हाल में भी हमें काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आ रही है। दूसरा एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इशू था कि फैटफ की ग्रे लिस्ट में हम तकरीबन 3 से 4 साल हमें हो गए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा। तो अब जो है वो रिसेंटली जो फैटफ की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने बताया जी कि हमारा जो 34 पॉइंट्स का जो एजेंडा था वो पाकिस्तान ने कंप्लीट कर लिया, और अब जो है वो एक प्रोसीजरल उनका एक सिस्टम है कि वो ऑन साइट विजिट करेंगे, उसमें उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए या ना निकाला जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा इम्कान इस बात के मौजूद हैं कि पाकिस्तान को सितंबर में या अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली उनके ऑन साइट विजिट के बाद ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से भी काफ़ी हद तक ये बात पॉजिटिव है। तो मार्केट की सूरत हाल इस टाइम पे अगर इस लेवल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा चीप रेट्स हैं, वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं, तकरीबन 4-4.5 टाइम्स के मल्टीपल के ऊपर हमारा KSE 100 ट्रेड कर रहा है, तो इन लेवल्स के ऊपर अगर एक्यूमुलेशन की जाए तो मिड टू लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे जो है रिटर्न्स हम स्टॉक मार्केट में से जनरेट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली बजट में अगर हम देखें तो एक तो सुपर टैक्स 10% तमाम इंडस्ट्री के ऊपर तकरीबन इम्पोज किया गया है, उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो हम देखेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत अच्छा इसमें लगता था, क्योंकि एक तो रुपए की डेप्रिसिएशन की वजह से काफ़ी इनके प्रॉस्पेक्ट्स ब्राइट थे, दूसरा ये कि सुपर टैक्स इनके ऊपर सिर्फ 4% था, तो एक तो ये इनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी। एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत अच्छी जा रही हैं, तो उस हवाले से भी ये बेनिफिशरी हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर को देखें तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ऑल्दो टैक्सेशन काफ़ी लगी है 10%, लेकिन उनकी अर्निंग्स भी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हुई हैं। आज भी UBL का रिज़ल्ट था, अच्छा रिज़ल्ट दिया। अगर हम MCB की बात करें तो MCB में कॉन्टीन्यूसली तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर इनसाइडर बाइंग आ रही है, तो किसी ना किसी वजह से ये बाइंग आ रही है। और बैंक्स को अगर हम देखें तो बहुत लंबे अरसे से इन्होंने अंडर परफॉर्म किया मार्केट को, और इस टाइम पे डिविडेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कैपिटल गेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कमर्शियल बैंक से इस वक्त काफ़ी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी नज़र आती है मार्केट के अंदर। और इसके अलावा एक्सप्लोरेशन सेक्टर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, OGDC PPL, ऑल्दो इनमें कैपिटल अप्रिसिएशन के हवाले से चांसेस काफ़ी हाई अच्छे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन फिलहाल कोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की नज़र आती है, क्योंकि जो भी अर्निंग्स वो कमाती है कंपनी तकरीबन वो सभी अपने पे आउट में इन्वेस्टर्स को पे आउट दे देती है। तो इस हवाले से एक्सप्लोरेशन कंपनीज बहुत अच्छी हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर इस टाइम पे काफ़ी चीप मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो ये वाले कुछ जो सेक्टर्स हैं इनमें अगर हम इन्वेस्ट करें
और पोर्टफोलियो को इस तरह से डिज़ाइन करें कि कुछ स्क्रिप्ट जो हैं वो हम हाई डिविडेंड यील्ड वाली रखें और कुछ स्क्रिप्ट जो हैं वो हम उनमें ऐसी रखें जिनमें कैपिटल गेन्स के चांसेस ज़्यादा मौजूद हों। तो इस तरह से एक बैलेंस पोर्टफोलियो हम जो है वो बना सकेंगे। और अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट परफॉर्म नहीं भी कर पाती तो हमें कम से कम जो है वो रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम डिविडेंड्स के फॉर्म में मिलती रहे। और इसके अलावा मेनली मेरा ख्याल है बस आज के लिए इतना ही। और अब क्वेश्चंस को ले लेते हैं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो रेज हैंड की ऑप्शन को यूज़ करें और इसके बाद आपको अनम्यूट किया जाएगा और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकेंगे या फिर आप चैट बॉक्स को यूज़ करते हुए भी अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अच्छा, ये शहजाद साहब हैं जी, इन्होंने क्वेश्चन किया है मेनली जो हैवी वेट सेक्टर्स हैं जिनमें कमर्शियल बैंक्स हैं, एक्सप्लोरेशन सेक्टर है और इसके अलावा जो सीमेंट्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, ये इनकी वजह से ही मेनली ये आपको नज़र आता है। और 40 to 41 thousand जो आपको इंडेक्स की वैल्यू नज़र आ रही है, ये आपके क्वेश्चन से मुझे लग रहा है कि शायद आपको ये काफ़ी इन्फ्लेटेड लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। KSE 100 का ये लेवल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी इंडेक्स के अंदर भी काफ़ी हद तक जो है वो अपसाइड हमें नज़र आता है। जी, डिविडेंड और बोनस के हवाले से शेयर्स के बारे में पूछ रहे हैं। डिविडेंड्स के लिए फर्टिलाइजर सेक्टर एक अच्छा है। ईफर्ड का रिजल्ट पीछे अभी कुछ अच्छा नहीं आया, टैक्सेशन की वजह से उनको बहुत ज़्यादा जो है वो हिट पड़ी है, उनको क्वार्टर में लॉस देना पड़ा और डिविडेंड भी कोई अनाउंस नहीं किया। तो इसकी वजह से पूरे हमने देखा कि एग्रो सेक्टर के ऊपर उस दिन प्रेशर आया। तो इसकी वजह से जो है वो एंग्रो फर्टिलाइज़र की बजाय फौजी फर्टिलाइज़र को अगर हम देखें तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लगती है। डिविडेंड डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड देती है। DCR डॉलमेन सिटी रीटेक बहुत अच्छी कंपनी है, डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड है। एंग्रो पॉलीमर का इस वक्त अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बेसिस के ऊपर देखें तो बहुत अच्छा जो है वो डिविडेंड यील्ड बनती है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में जो है वो उसकी अर्निंग्स और जो डिविडेंड्स हैं वो हमें स्क्वीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर उनको एक्वायर किया, एक्यूमुलेट किया जाए इन लेवल्स के ऊपर तो उसमें भी हम अच्छी यील्ड्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। इसके अलावा पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स एक बहुत अच्छी ऑप्शन है डिविडेंड के लिए। मिलर ट्रैक्टर एक अच्छी ऑप्शन है, बोनस भी देता है और फ्रीक्वेंटली बोनस देता है और साथ में डिविडेंड्स भी देते हैं। और बैंक्स में आप देख सकते हैं डिविडेंड के लिए UBL, MCB, ये अच्छे बैंक्स हैं। बैंक अल हबीब, बैंक अल फलाह, ये सारे डिविडेंड देते हैं, डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करते हैं। हेलो, जी जी प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं यासिन बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक है। जी सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा सर, मैंने पूछना, मेरे पास ना डाइनो है पड़े हुए ना, एक काफी पुराने, मैंने ये 135 पे लिए थे। ये तो मेरा बड़ा अच्छा चल रहा है, एक वक्त में तो 310 भी इसने दिखाया था। ठीक अच्छा, है, मैं अभी चाह रहा हूँ, मेरे पास एक दफा पहले भी मैंने ये अपॉर्चुनिटी हासिल करने की कोशिश की थी, इसको कन्वर्ट कर दूं ये एच कार में, ये पार्क सुजुकी मोटर में ना, लेकिन फिर वो ना ऊपर निकल गए थे। अभी फिर ये नीचे आए हुए, मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये वाले बेच के वो ले लूं तो शायद वो आने वाले वक्त में इसको तो इसे ऊपर निकल जाएंगे ये ना। अच्छा सर, अगर आप बेहतर इससे मज़ीद कोई शेयर्स लेना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है HCAR या PSMC फ़िलहाल ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑटो सेक्टर की आउटलुक कोई इतनी अच्छी खास लग नहीं रही आगे। उसके दो तीन वजूहत हैं। एक तो जो कार फाइनेंसिंग है वो आप देख रहे हैं ऑलरेडी कितनी ऊपर जा चुकी है, अभी मज़ीद आगे एक्सपेंसिव होगी। कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो उसको उस तरह से आगे पास ऑन कर नहीं पा रहे क्योंकि कंज्यूमर की बाइंग पावर नहीं है। डेट इन कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज़ होने की वजह से इनके ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो प्रेशर है। तो एक तो डिमांड भी स्क्वीज होगी और दूसरा कॉस्ट प्रेशर भी है। तो मेरा ख्याल है ये ऑप्शंस इतनी अच्छी नहीं है। डाइनिया को अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो जो अभी मैंने शेयर्स थोड़ी देर पहले बताए हैं इनमें जो है वो आप एंट्री ले सकते हैं। इसको फिर वो कोई ऊपर वाले लेवलों पे बेचूं, ये मुझे कोई इमरजेंसी तो नहीं है, अभी तो मेरी ये प्रॉफिट में है ये ना। डाइनो आपने कितने का लिया हुआ? ये तो मैंने आज से कुछ 3-4 साल पहले पहले लिया था, 135 का ना। उसके बाद ये जब ये एक कोरोना का आया था, ये 60 पे भी चला गया था, उसके बाद जी ये अभी ये मुझे दोबारा। नज़र आ रही है, इसकी सपोर्ट तकरीबन 172 पे। उम्मीद है कि ये इसको सस्टेन करके तो वापस 200 की तरफ आएगा। यहाँ पे कहीं आप इसको प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अच्छा,
अच्छा, इसके अलावा मैंने वो सुई नॉर्दर्न वाला लिया हुआ, उसने जो है ना मुझे बहुत डिसार्ड किया जो है ना, बाकी तकरीबन मेरे पूरे होने वाले ये बहुत नीचे आ जो गया वो गैस तो। कंपनीज हाँ है, गैस कंपनीज में इश्यूज काफी सारे चलते हैं, बस इस वजह से जो है वो कुछ इतना परफॉर्म नहीं कर पाते। कितने का आपने SNGP लिया हुआ? ये मेरा तकरीबन 63 पे एवरेज है इसकी, तो मैंने नीचे से भी ली है अपना कि इसको बस हाँ पूरा करके ना। भाई, ये अच्छी है, कोई 30 के करीब करीब जो है ना ऑप्शन अच्छी है, यहाँ पे एवरेज किया जा सकता है। अच्छा एक और है जो है ना अटक सीमेंट जो है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग कभी हुआ करता था, पता नहीं ये क्या जो है ना समझ नहीं लगी इसकी ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर था ये वाला ना, ये इधर फंसी गया 70 से ऊपर जाता ही नहीं है जो है ना, काम इसमें हुआ आज भी काफी हुआ है, लेकिन जो है ना पता नहीं कौन लोग हैं जो है ना अटक ऊपर सीमेंट की से बात कर रहे गिरा। हैं? जी जी अच्छा सर, ये सीमेंट सेक्टर में भी इसी तरीके से ही है, क्योंकि सेक्टर आउटलुक के ऊपर डिपेंड करता है ना कि डायनेमिक सेक्टर के कैसे हैं। तो इकोनॉमी चूंकि आगे कॉन्ट्रैक्ट होती हुई हमें नज़र आ रही है, तो जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं वो कुछ इतना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करेंगे। आज भी बड़ी बात है, इन्होंने सीमेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, ओवरऑल मार्केट बिल्कुल बुलिश थी तो ये परफॉर्म कर गए हैं, लेकिन वही कि इनके ऊपर एक तो डेट बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट इंक्रीज है, कोल प्राइसेस हाई होने की वजह से, और डिमांड कोई है नहीं। आज सीमेंट का डाटा है तकरीबन 48% जो है वो सीमेंट डिस्पैचेस डिक्लाइन हो, और पूरे साल की अगर आप एवरेज देखें पिछले, तो वो भी तकरीबन 7-8% का डिक्लाइन था। तो सीमेंट्स भी इसकी वजह से कोई बहुत जो है वो मज़ेदार अभी फिलहाल सेक्टर नहीं नज़र आता। सर, अगर लकी सीमेंट जैसा इतना बड़ा शेयर वो 6-7% चला गया तो इसको भी तो उठना चाहिए था ना, बाकी तो हाँ जो 5-6 ऐसे सीमेंट्स हैं जो अपर लॉक लगे उनके ना, तो सर, ये जो है लकी ना लकी सीमेंट की एक ये भी बात है कि डेट फ्री कंपनी है ये, तो इसकी वजह से इसके ऊपर कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, इसके डायनेमिक्स ज़रा बेहतर है तो इस वजह से परफॉर्म किया। बाकी वो जो शेयर ना परफॉर्म करे उसकी एक आधे दिन में बारी आ जाती है, ठीक है, तो वो देर सवेर हो सकती है। मुगल स्टील के बारे में एक हमारे क्लाइंट ने पूछा हुआ है जी, वो उनको मैं बताता चलूँ कि आज मुगल स्टील ने ब्रेकआउट अपना तकरीबन दिया, और 63 को अगर क्रॉस करता है मुगल, तो नेक्स्ट टारगेट ये अपना तकरीबन 75 रुपीज़ के करीब जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। मैं काइंडली पूछना था आपसे कि यूएई की न्यूज़ थी पिछले दिनों इन्वेस्टमेंट की, तो उसका स्टेटस क्या है? UAE की इन्वेस्टमेंट की किस सेक्टर में कोई खास कोई न्यूज़ थी? एक तो थी ना कि डिपॉजिट उन्होंने करवाने थे, उन्होंने फंड्स हमारे, जी, वो बेसिकली वो इसी चीज़ के ऊपर है कि IMF के प्रोग्राम के साथ उन्होंने कंटिजेंट किया अपनी इस चीज़ को, कि IMF का प्रोग्राम एक दफ़ा हमारा अप्रूव हो जाएगा, हमें ट्रांसफर रिलीज हो जाएगी, तो जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनकी तरफ से हमें जो है ये चीज़ आ रही है। UAE से भी आनी है, सऊदीया से भी आनी है, और एक दो और कंट्री से भी शायद आ रही है। अच्छा, शेयर फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर पूछ रहे हैं जी, बहुत सारे अच्छे शेयर्स हैं। मेरा अगर पर्सनली फेवरेट शेयर आप पूछें तो इंटरनेशनल स्टील ISL बहुत अच्छा एक शेयर है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको होल्ड किया जाए तो डिविडेंड्स भी बहुत अच्छे देता है, और इसके अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन की तकरीबन 100% इसमें गुंजाइश मौजूद है। और इसके अलावा निशाद चुनिया एक बहुत अच्छा शेयर है, डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कैपिटल एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेल बैंक के बारे में पूछ रहे हैं, फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं है जी, इसमें सट्टे की बेसिस के ऊपर ट्रेड्स होती हैं, तो वो टेक्निकल्स को देखना पड़ता है। एस्कोल के बारे में बता दें, क्या फ्यूचर होगा? एस्कोल का कोई फ्यूचर नहीं है जी फिलहाल, क्योंकि कोई पता नहीं कि AGM इन्होंने बेसिकली कंडक्ट नहीं की हुई, जिसकी वजह से इनको डिफॉल्टर लिस्ट में डाला हुआ है, और अगर कुछ आगे कुछ अरसा मजीद ये कंडक्ट नहीं कर पाते तो इस कंपनी के शेयर्स भी सस्पेंड हो सकते हैं। इसके अलावा फंडामेंटली देखें तो बहुत सारे इशूज हैं, बहुत सारे केसेज हैं इसके ऊपर, तो इस ऐसे शेयर से बचना चाहिए। सर्ल के बारे में पूछ रहे हैं जी, ये सेल का तकरीबन 130 तक हमें टारगेट माइंड में रखना चाहिए। काइंडली आज लक का आई थिंक रिजल्ट आया, तो वो अगर आपको पता है तो शेयर करते हैं। लकी का रिजल्ट कल आई थिंक सो, लकी का रिजल्ट आज नहीं है जी, वो कल आएगा। प्रेमा शेयर कैसे है? प्रेमा शेयर जी कोई बहुत खास चीज़ नहीं है,
मेनली आपको इसकी अर्निंग्स तो नज़र आती हैं, लेकिन वो मेन इनकी अर्निंग का जो एक मेजर पोर्शन है वो इनका नॉन रियलाइज गेन है जो इनकी हर्ड की ब्रीडिंग के बढ़ने के नतीजे में आता है। तो उस चीज़ को उस इनका उस चीज़ का अगर इम्पेक्ट हम निकाल दें तो इसकी बेसिकली कंपनी लॉस के अंदर है, तो इस वजह से कोई बहुत खास ऐसी चीज़ नहीं लगती। बैंक ऑफ पंजाब के बारे में काफ़ी जो है वो नेगेटिव सेंटीमेंट है। एक तो पीछे इसने डिविडेंड भी नहीं दिया, 1 रुपये का ये डिविडेंड दे देता था, बोनस शेयर्स इसने इशू किए थे, और मेन इसमें इशू ये है बेसिकली कि मोस्टली तकरीबन 60% इसके जो डिपॉजिट्स हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं, और जो हमारा यहाँ पे IMF की रिक्वायरमेंट के ऊपर ट्रेजरी सिंगल अकाउंट TSA जो हमने बना दिया है, कि तमाम जो गवर्नमेंट फिलहाल ये अभी रूल फेडरल गवर्नमेंट तक एप्लीकेबल है कि फेडरल गवर्नमेंट अपने जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो किसी कमर्शियल बैंक में नहीं रखेगी, सेंट्रल बैंक में रखेगी। तो इसके सेकंड फेज़ में जो है ये चीज़ अब प्रोविंशियल बैंक्स के ऊपर भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर भी इम्पोज होगी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी अपने कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स को निकाल के सेंट्रल बैंक में रखेंगी। तो मेन जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो BOP के ऊपर आएगा। तो इस चीज़ की बेस के ऊपर मेनली इसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। कैपको के बारे में पूछ रहे हैं जी, फिलहाल IPPs को से बचना चाहिए, IPPs का फ्यूचर कोई बहुत अच्छा नहीं लगता, इनमें अगर कोई बेहतर है तो वो HUFCO है। बाकी कैपको की लीज़ भी जो पावर परचेज एग्रीमेंट है वो एक्सपायर हो चुका हुआ है, और फिलहाल रिन्यूअल के हवाले से इसकी कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो इसका कोई इतना ख़ास नहीं है जी। आप मुगल और सल में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको कोई वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि चूंकि इकोनॉमी आगे कॉन्ट्रेक्शन की तरफ जा रही है तो कुछ इनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन फिर भी फंडामेंटल्स इनके काफ़ी अच्छे हैं, होल्ड करके रखें तो अच्छा रिटर्न इनमें मिल जाएगा। हब पावर और सिस्टम्स के बारे में पूछा हुआ है जी, दोनों शेयर्स अच्छे हैं बिल्कुल। मार्केट कब तक ठीक होने के चांसेस हैं? मार्केट अगर आप बात करें कि बिल्कुल बहुत अच्छी अगर हो जाए तो वो उम्मीद है इंशाल्लाह कि इलेक्शंस के बाद एक अच्छा हमें इसमें ट्रेंड देखने को मिलेगा। बाकी अभी फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे ये दो मेन हमारे जो माइलस्टोन्स कवर होंगे, एक तो जो IMF का प्रोग्राम है और दूसरा जो फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकलना है, इन दो चीज़ों के बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हम स्टेबिलिटी देखेंगे मार्केट में। मिज़ान बैंक के बारे में पूछा जी, बहुत अच्छा बैंक है बिल्कुल है, और अमेज़ॉन बैंक बिल्कुल अच्छा जी। बेसिक चीज़ें आपको लर्न करनी है स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप किसी भी वक्त जो है हमारे यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट में कांटेक्ट करें, जो ऑपरेशनल चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आपको वहीं पर कस्टमर सपोर्ट के एंड पे ही आपको रिजॉल्व कर दी जाएंगी, और अगर कुछ मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से आपको डिस्कशन करनी होगी या कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो आपकी कॉल जो है वो रिसर्च डिपार्टमेंट में डाइवर्ट कर दी जाएगी, वहाँ से आप अपनी गाइडेंस ले सकते हैं जी। शेयर सस्पेंड हो जाएंगे तो फिलहाल शेयर्स जो शेयर होल्डर के पैसे हैं वो फंस जाएंगे बीच में, जब तक जो है वो उसकी शेयर ट्रेडिंग वो कंप्लाइंस शो नहीं करते दोबारा से, और उनकी शेयर ट्रेडिंग जो है वो दोबारा से स्टार्ट नहीं होती। तो इसमें कितना पीरियड लग सकता है इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो इस वजह से बेहतर तो यही है कि इसमें से अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो निकल जाया जाए। यार ये रेज हैंड वालों को ज़रा देखो, इनको अनम्यूट करो। ICA का कल रिज़ल्ट आया जी, अच्छा रिज़ल्ट आया, और फिलहाल अगर आप इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस भी इसकी अच्छी परफॉर्म करनी चाहिए, तकरीबन 8:30 तक उम्मीद है कि टेक्निकली इसको जाना चाहिए जी। और किसी के क्वेश्चन हैं तो आप लोग कर सकते हैं। मलिक बाबर साहब अनम्यूट कर दिया गया, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं अस्सलाम वालेकुम भैया। भैया जी। वालेकुम सलाम। मैंने आप ही के थ्रू ना PMX में अकाउंट ओपन करवाया था, तो वो अभी तक मेरा वेरीफाई नहीं हो रहा। अच्छा, वेरीफाई नहीं हो रहा। यहाँ पर फरहान हमारे साथ मौजूद है, फरहान आप इस क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी फरहान भाई? मैं ठीक। सर आपका एनडी अपना जो है मुझे जो है वो अगर चैट बॉक्स में ही अपना
अकाउंट नंबर बता दें तो मैं आपको आफ्टर द सेशन जो है वो मैं कांटेक्ट कर लेता हूं। मैं अभी उधर ही बता देता हूं आपको। और इसमें अगर हम ट्रेड करनी हो तो वो हम कैसे सीखेंगे? इसमें सर आपका जो अकाउंट है वो सबसे पहले तो हम आपका अकाउंट अपडेट कर देंगे, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। उसके बाद हम आपको जो डिपॉजिट और विड्रॉल का प्रोसेस है क्योंकि वो चेंज हो गया, अब आप डायरेक्टली पीएमईएक्स के अकाउंट के अंदर फंड डिपॉजिट कराते हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको कंप्लीट गाइड कर देंगे। और उसके बाद जो ट्रेडिंग है उसके लिए तो मेटाट्रेडर 5 एप्लीकेशन है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, उसकी बकायदा हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे। उसके मोबाइल एप्लीकेशन भी मौजूद है और डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल भी मौजूद है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हमारा जो कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट स्पेशली जो कमोडिटीज को डील करता है वो आपको इंशाल्लाह जो है वो सारी गाइडलाइंस और ट्रेनिंग सेशन जो है वो दे देगा। जी मैंने अपना अकाउंट नंबर आपको सेंड कर दिया। और एक और चीज है कि देख रहा था उसमें रोबोट भी परचेज कर सकते हैं हम, रोबोटिक जो ट्रेडिंग है वो भी हो सकती है सर, मेटा ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन होती है, उसके बारे में भी सर गाइडलाइन दे देंगे। अभी क्योंकि ऑनलाइन बैठे हैं तो स्पेशली आज का जो वो है वो पीएसएक्स और रिसर्च के हवाले से है, मार्केट के आउटलुक के हवाले से आपके जितने भी ये क्यूरीज हैं वो इंशाल्लाह सर एड्रेस हो जाएंगी। जो आपका व्हाट्सएप आता है उसी पे मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर दूं? जी बिल्कुल, उसी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू भैया। जी थैंक यू। अच्छा जी, आयशा स्टील के बारे में पूछा। आयशा स्टील से बेहतर अगर आप शेयर मुझसे पूछें तो इंटरनेशनल स्टील है, दोनों एक ही किस्म के बिजनेस में है, लेकिन आयशा स्टील का इशू ये है कि उसके ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा। खैर अगर इसकी प्राइस को हम देखें तो 1140 को तकरीबन ये क्रॉस कर ले एक दफ़ा तो फिर ये उम्मीद है कि 1350 तक आ सकती है। और इसके अलावा शेयर्स की कोई लिमिट होती है, मीन के लिमिट टाइम में सेल करने होते हैं? ये इस मैसेज को थोड़ा सा आप एलेबोरेट कर दें अगर तो ज़्यादा बेहतर है। मैं जहाँ तक आपकी बात समझूँ आप शायद मार्केट टाइमिंग का पूछ रहे हैं, 9:30 बजे सुबह मार्केट ओपन होती है और 3:30 बजे क्लोज होती है यूजली, जो फ्राइडे वाले दिन 4:30 बजे क्लोज होती है। इस पीरियड के दौरान आप अपने शेयर्स को की बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। अहमद जरा इनको देखें, जी और कोई क्वेश्चंस हैं अगर आप लोगों के तो आप लोग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं न्यू इस फील्ड में हूँ, यानी कि मैं मार्केट में नया नया हूँ, मुझे ज्यादातर पता नहीं था। तो मैंने पिछले दिनों ना मुझे यही था कि पहले मैंने जो सीखा था या सुना था वो ये था के जो शेयर होते हैं ना अगर इनकी वैल्यू गिर जाए तो आप इनको होल्ड कर सकते हैं जितना लॉन्ग मर्जी आप जितना अरसा आप मर्जी इसको होल्ड कर लें, तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती, खत्म नहीं होती, यानी कि नीचे चले जाते हैं। लेकिन जब मैंने एक पिछले दिनों मैंने एक शेयर खरीद बाय किया था, उसमें काफी पैसे लगा दिए तो वो सस्ता था, इसलिए मैंने कहा चले इसमें सस्ता मिल जाए तो इसको ले लेते हैं। वो फिर मुझे कुछ दिनों बाद पता चला कि ये तो सिर्फ चंद दिनों के लिए आया, ये खत्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। कौन सा शेयर की बात कर रहे हैं आप? ये क्लेवर का, क्लेवर था, CLVLR इस तरह का उसका ये था नाम, CLOVER क्लोवर, ये वो कोर्डोबा एंड लॉजिस्टिक्स उस कंपनी का था कोई। तो कितने का लिया था आपने शेयर? मैंने वो लिया था तकरीबन 2.5 रुपए का, 2.50 रुपए तक लिया था। तो फिर ये गया 3 रुपए तक गया, ऊपर गया, यानी कि 50 पैसे ऊपर गया, तो मैंने वो जो सेल नहीं किया, मैंने कहा कि शायद ये ऊपर जाए, यानी कि ना भी गया तो चलो होल्ड कर लेते हैं। वो पहले मैं प्रॉफिट में था, लेकिन जब मैंने कोई 5-6 दिन को होल्ड करके रखा तो वो गिरता 50 पैसे पे आ गया, फिर मुझे पता चला ये तो जीरो हो जाएगा कुछ दिन तक, ये खत्म हो जाएगा। तो ऐसे भी होता है कि शेयर खत्म भी हो जाता है जीरो। आप ना मेरा ख्याल है राइट शेयर्स की बात कर रहे हैं, क्लोवर ने रिसेंटली राइट तो खैर काफी देर पहले आपका शेयर मैंने, क्योंकि जो क्लोवर पाकिस्तान है CLOVER वो तो 19.71 रुपीस का है इस टाइम के ऊपर, 1971 पे आज वो बंद हुआ 55 पे। आप फिर शेयर का नाम ही ठीक से बता रहे हैं, आप जरा दोबारा रीचेक करके बता दें तो ज्यादा बेहतर है। CLVLR अच्छा CLVL V
हाँ जी, वो राइट आपने लिया है ना असल में। ये मुझे बाद में पता चला ये राइट होता है इससे, तो ये हाँ राइट क्या होता है सर? ये तो पता पहले पता ही नहीं था कि ऐसा शेयर भी होता है जो खत्म भी हो जाते हैं, पहले ये तो मैंने सुना ही नहीं था ये कोडोबा, तो। ये सर राइट बेसिकली, इसके बारे में ट्रेडिंग डिपार्टमेंट या ये हमारे साथ फरहान है, ये ज़्यादा बेहतर वैसे आपको गाइड कर देंगे। ये बेसिकली राइट है, कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत होती है ना, तो वो राइट इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कि वो कम मार्केट वैल्यू से कम कीमत के ऊपर अपने उस कंपनी के शेयर्स जो हैं वो परचेज कर लें और कंपनी के पास वो फंड्स चले जाएँ। अब जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो वो उन राइट्स को ख़रीद लें पैसे दे के, या फिर वो उनको मार्केट में सेल करते हैं। अब वो जो मार्केट में सेल की हैं वो आपने ख़रीदनी है। अब आपको जो है वो ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएंगे, आपके पास शेयर्स आ जाएंगे उस कंपनी के, राइट्स ख़त्म हो जाएंगे, वो उस एक्चुअल कंपनी के शेयर्स आपके पास आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, शेयर्स ख़त्म नहीं होते हैं। नहीं, वो कहते हैं कि उसको सब्सक्राइब करना है उसकी ज्यादा, फिर और हाँ पैसे जी, वो देने देने उसको। पड़ेंगे ना आपको वो, क्योंकि अब वो शेयर मैंने आपको बताया कि ये इस टाइम के ऊपर है, 10 रुपए का तकरीबन। वो तो राइट है ना बेसिकली, जो CLVL है, कोडोबा लॉजिस्टिक्स। ये तकरीबन 10 रुपए तक है हाँ जी, ये तकरीबन 9 रुपये 32 पैसे का है, ठीक जी। है। तो वो राइट आपने वो जो खरीदा वो सिर्फ राइट के पैसे हैं, अभी इस शेयर के पैसे आपने मजीद देने हैं, तो फिर आपके पास वो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगी। वो मैं तो मैंने अब लॉस लेके उसको तो काफी लॉस लिया, मैंने वो सेल कर दिए। मैं ठीक अब है। ये मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, जिस तरह ये राइट शेयर था, मैं नहीं था पता राइट शेयर भी होते हैं, इस तरह का कोई और भी शेयर होता है किसी टाइप का जो हमें नहीं लेना चाहिए, या वो खत्म हो जाता है, या उसके ऊपर ध्यान रखें ऑर्डिनरी शेयर के अलावा, और भी वो भी हमारे इलम में होने चाहिए ना सर? ऑर्डिनरी सर, जो ऑर्डिनरी शेयर है ना, सिर्फ उनमें आप इन्वेस्ट करें, बाकी राइट्स आपको थोड़ा सा मार्केट में एक्सपीरियंस होगा तो पता चल जाएगा, किसी शेयर के आगे आर अगर लिखा हुआ है उसका जी चेक कर लें सिंबल DPS पे जाके, कि वो क्या सिंबल है उसका, उसके आगे अगर आर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो राइट है, अच्छा तो उसमें आप इन्वेस्ट ना करें। बाकी जो शेयर्स हैं वो आप ले सकते हैं, वो किसी भी टाइम वो रहते हैं फॉर एवर मार्केट में। नहीं सर, मेरा सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि राइट का तो अब हमें पता चल गया हमें नुकसान हुआ, अब ये हमें नहीं जी भूलेगा, ये तो हमें जी पता चल गया। इसके अलावा इसकी और भी कोई टाइप्स हैं जो हमें नहीं पता अपने लोगों को, कि जिस तरह राइट शेयर हमारे लिए नया था, इस तरह कोई और भी है, अभी है जो हाइडन में जो हमें पता नहीं है उस? क्या होते हैं? कुछ कुछ शेयर्स ऐसे भी होते हैं कि जो ना डिफॉल्टर लिस्ट में होते हैं PSX की तरफ से, तो अच्छा उसकी उसके उसके भी उसके अंदर से भी जो है वो ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। उसके और साथ सैंपल क्या, उसका हमें कैसे पता चलेगा ये डिफॉल्ट में कैसे है पता चलेगा जी उसका सर मैं यहाँ PS? पे हाँ थोड़ा सा ना ऐड करना चाहूंगा, फरहान बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसमें सर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आपने बेसिकली ये जो कंपनी बता रहे हैं, आपने इसके ऑर्डिनरी शेयर्स परचेज नहीं किए, आपने जी इसके जो कंपनी ने राइट शेयर इशू किया था, आपने वो राइट शेयर जो है वो मार्केट से परचेज किया है, ठीक है। जी अब जी राइट शेयर जो है वो बेसिकली कंपनी क्यों इशू करती है, कंपनी को फर्दर जो है अगर फंड्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो सबसे पहले अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो है वो राइट शेयर्स ऑफर करती है, ताकि आप उनके राइट परचेज कर लें, कंपनी के पास पैसे चले जाएं और आपके पास जो है वो राइट शेयर्स जो है वो आ जाएं। ये राइट शेयर जब आप पे कर देते हैं देन वो कन्वर्ट हो जाते हैं इंटू ऑर्डिनरी शेयर्स। जैसे कि अभी आप CLVL का ऑर्डिनरी शेयर की जो प्राइस देख रहे हैं वो 9 रुपये 32 पैसे है, ठीक है। जी 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 अच्छा, जी अभी अभी आपने जो अभी क्वेश्चन किया कि ये डिफॉल्टर लिस्ट जो है ये हम कहाँ से देख सकते हैं, अगर आप PSX की वेबसाइट पे जाएं, डेली जी डाउनलोड्स में चले जाएं, तो डेली कोटेशन के अंदर जो है वो आप ओपन करेंगे तो उसमें डिफरेंट हर कंपनी जो है वो अपने सेगमेंट के अंदर जो है वो होती है, बैंकिंग सेक्टर है, उनको जो जिस सेक्टर में वो होती है वो अलग अलग जो है वो डेफिनेशन उनकी वहां पे होती है। इसी तरह जो कंपनीज PSX की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा नहीं कर पाती, ठीक है, उनको एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एक डिफॉल्टर काउंटर के अंदर जो है वो रख दिया जाता है, ठीक है, उस एक जी डिफॉल्टर क्लास के अंदर। अगर तो वो अब जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रूल एंड रेगुलेशन को पूरा कर लेती हैं तो फिर वो दोबारा अपने सेक्टर में चले जाती हैं, ठीक है। अगर वो उसमें नहीं करती तो वो डिफॉल्टर लिस्ट में रहती हैं। डिफॉल्टर लिस्ट का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर्स को ये पता चल जाए कि इनके जो कंपनी है जो डिफॉल्टर लिस्ट के अंदर है वो PSX की रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही या उसके लॉसेस हैं, और वो आने वाले दिनों में जो है वो डीलिस्ट भी हो सकती है,
ठीक है, तो ये तो जब आपने इस कंपनी का शेयर परचेज किया आपको थोड़ी सी पहले, इसीलिए जो है वो कहते हैं कि वर्कआउट कर लेना चाहिए, आज का जो वेबिनार सेशन था ठीक है वो भी हम इसीलिए जो है वो 15 दिन बाद अब कंडक्ट करना शुरू हो गए हैं, आगे फ्यूचर में भी करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को शेयर मार्केट के अंदर जो अच्छे बेस्ट शेयर्स हैं, जो बेस्ट सेक्टर्स हैं, जो अच्छा, अब कोई सेक्टर जो है वो ऐसा नहीं है कि पूरा साल ही ठीक रहता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, लाइक जो है अब जो डॉलर प्राइस है ठीक है उससे बहुत से सेक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं ठीक है, इस तरह से आपको हमेशा स्टॉक मार्केट के अंदर अपना डिसीजन क्विक लेना होता है ठीक है, कि मैं अगर इस कंपनी के अंदर मैंने अब पिछले 5 सालों से इन्वेस्ट किया हुआ है लेकिन अभी हालात ठीक नहीं है, कंपनी लॉस में जाना शुरू हो गई है, तो फौरी उस कंपनी में से आप डिस इन्वेस्ट करके जो अच्छी कंपनी है जो बेस्ट परफॉर्म कर रही है आप उनमें इन्वेस्ट करें ठीक है। अभी प्रेजेंट जो आपका सिनेरियो है इसके अंदर या तो आप, अब तो आप कह रहे हैं कि मैंने इसको बेच दिया ठीक है, लेकिन फ्यूचर के अंदर जो है आप बेहतर यही है कि अगर आप स्टार्टअप पे हैं अभी आपको इतना नॉलेज नहीं है तो आप जो है वो अभी ना फ्यूचर्स में प्ले करें ना आप जो है वो राइट शेयर्स के अंदर अभी प्ले करें, ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो आप मार्केट से परचेज करें, जैसे कि अभी जो है वो सर ने बताया सारा कि आप किस किस सेक्टर में और किन किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर मैंने ना एक वो टीपीएल पे एक प्रॉपर्टीज टीपीएल प्रॉपर्टीज के ना शेयर आज काफी ऊपर जाए, वॉल्यूम भी काफी अच्छा था उसका, तो उसमें मैंने काफी पैसा लगाया और उसमें से मुझे कैपिटल गेन भी अच्छा मिला वापस, मुझे काफी उसमें से प्रॉफिट हुआ है आज, तो लेकिन ये ऊपर जा रहा है, क्या हमें फर्दर इसको में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए या इसका आप एहतियात कर लें, क्योंकि अब ये 5-6 रुपए काफी ऊपर आ चुके हैं अभी तक। आप सर इसका जरा देख के बताइएगा ग्राफ सर। बेसिकली अब मेरा ख्याल है आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप कह रहे हैं आपको प्रॉफिट भी अच्छा हुआ, आज मार्केट काफी अच्छी थी, तो मेरा ख्याल है जब मार्केट जब तेज होती है ना तो फिलहाल इन्वेस्टमेंट उसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उसके बाद जब मार्केट में थोड़ा डिप आता है नेगेटिव होती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचना चाहिए। टीपीएलपी जो है वो तकरीबन 16 रुपए से लेके तकरीबन 19.5 रुपए तक, 20 रुपए के करीब आ गया, तो इसमें कोई 3-4 रुपए डल गए हैं मेरा ख्याल है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें से प्रॉफिट टेक करके किसी दूसरे ऐसे स्क्रिप्ट में जाना चाहिए कि जो अभी फिलहाल परफॉर्म उसने नहीं किया। ठीक है सर, नटसोल के बारे में पूछ रहे हैं जी, नटसोल से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन एवियन और ऑक्टोपस की है या सिस्टम्स एक महंगा शेयर है उसकी बजाय आप एवियन या ऑक्टोपस कंसीडर कर सकते हैं, बहुत अच्छा पीआरएल जो है वो अच्छा हमें परफॉर्म करता हुआ फिलहाल तो नज़र आ रहा है, ये अगर अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर है 17.02 की, इसको अगर क्रॉस करता है तो ये मज़ीद ऊपर कोई तकरीबन 19-20 रुपये तक जा सकता है। आगा स्टील के बारे में पूछ रहे हैं जी, आगा स्टील ने अनफॉर्चुनेटली बहुत डिसअपॉइंट किया, काफ़ी लंबे अरसे से जो है वो ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, ऑल दो फाइनेंशियल्स इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं लेकिन शेयर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो अभी इस टाइम के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस पे है 14.74 पे इसके रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करेगा तो मज़ीद ऊपर कोई कह लें 15-16 रुपये के करीब जा सकता है, इसमें मेरा ख्याल है आप निकल स्विच कर लें, बेहतर अगर कोई ऑप्शन आपको नज़र आती है तो उसकी तरफ जा सकते हैं आप, ISL निशाद चुनिया NCL STPL इसकी रेंज का, इससे भी बल्कि थोड़ा सा सस्ता शेयर है, पिछले काफ़ी लंबे अरसे से इसमें इंसाइडर बाइंग आ रही है तो उसमें भी जो है वो अच्छी गेम हो सकती है, तो मेरा ख्याल है उन शेयर्स में चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा FFL और WTL के बारे में जी, कोई ऐसे फंडामेंटल्स नहीं है इनके खास, बिल्कुल सट्टा है, अगर खेलना चाहते हैं आप ज़रूर खेल सकते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन ODL एंड REG? ऑड लॉट मार्केट होती है जी ODL, इसमें आप जो ऑड लॉट्स होती है, एक तो रेगुलर मार्केट होती है, रेगुलर मार्केट में आप स्पेसिफिक लॉट्स में ही ट्रेड कर सकते हैं, जैसे जो तकरीबन 100 रुपये से नीचे के शेयर्स हैं वो आप 500 की लॉट में ट्रेड करेंगे, जो 100 रुपये से ऊपर के शेयर्स हैं वो आप 100 की लॉट में ट्रेड करेंगे, और लॉट में आपके पास फॉर एग्जांपल कोई एक शेयर है, 5 शेयर्स हैं, 10 शेयर्स हैं, तो इस तरह के जो लॉट्स होती हैं वो और लॉट मार्केट में ट्रेड होती हैं। नो वॉइस लिखा हुआ जी, वॉइस मेरी मेरा ख्याल है ठीक से आ रही है, आप अपना माइक्रो जो स्पीकर है वो चेक कर सकते हैं। मिलर ट्रैक्टर किस लेवल पर बाइंग करें,
सर मिलर ट्रैक्टर का जो ये लेवल है तकरीबन 815 के करीब, इस जगह पे जो है वो अच्छी कंसोलिडेशन नज़र आती है, तो इस लेवल पे की जा सकती है। टीआरजी में भी सर बिल्कुल सटा चलता, कोई ऐसे खास फंडामेंटल्स नहीं है। बिलाल साहब किस शेयर का पूछ रहे हैं, आगा का पूछ रहे हैं शायद। अच्छा बिलाल साहब आप किस शेयर का पूछ रहे हैं, थोड़ा सा ज़रा रिपीट कर दें। अनम्यूट बिलाल जी, बिलाल साहब आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी बिलाल साहब आपको अनम्यूट कर दिया गया, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। KSPP KSBP अपने कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर है जी इस टाइम के ऊपर, 120 के करीब अच्छा है, और तकरीबन 170 तक ये यहाँ से अगर ऊपर आता है तो जाता हुआ नज़र आता है। पहल अच्छा शेयर है जी, और आपने ट्राई स्टार के बारे में पूछा है। ट्राइस्टार पावर, जो पावर से रिलेटेड कंपनीज हैं वो कोई इतने फ़िलहाल उसमें अच्छा पोटेंशियल नहीं नज़र आता, तो मेरा ख्याल है कि उससे अगर बचें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी परफॉर्मेंस इसने पिछले 2 दिन से अच्छी दिया, यहाँ से रिबाउंड होकर तकरीबन ये 6 रुपीज़ तक जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। FFBL के बारे में पूछा है जी, और FFBL को 20 रुपये पे अच्छा एक लेवल है बहुत, यहाँ पे सपोर्ट इसकी अच्छी नज़र आती है, यहाँ पर बाई किया जा सकता है। अहमदी आपने देखना है कौन रेज हैंड कर रहा है जी। हेलो, 42,000 जी। वालेकुम सलाम जी बिलाल साहब। सर मेरे पास है स्कोर, मैंने कोई तकरीबन 50,000 के करीब खरीदा था आज से 2 साल पहले, लेकिन ठीक है ये बाद में डिफॉल्ट में चला गया, तो आप इसका फ्यूचर क्या है, क्या इसको मैं फर्दर होल्ड करूँ या इसको सोल्ड सर, मेरा तो ख्याल है आप इसमें से निकलने किसी बेहतर शेयर में आ जाए। करूँ। तो वो तो मेरे को तकरीबन 13 की बाइंग, अब तो 3-4 पे चल रहा है, तो क्या ये देखिए ये भी अगर नहीं रहेगा, ये भी फंस गए अगर खुदा ना खास्ता, तो फिर तो बिल्कुल ही चीज़ हाथ से निकल जाएगी। बेहतर है कि आप इसको बेच के तो किसी और शेयर में इन्वेस्ट कर लें। अच्छा इसमें से मैं निकल जाऊँ, इसका मतलब इसमें इसका से कोई निकल फ्यूचर जाए, आगे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नहीं नहीं ये इसमें कुछ नहीं आएगा अभी जी। जी। थैंक यू। और 42 मार्केट के लेवल के बारे में पूछ रहे हैं जी। 41,500 की एक रेजिस्टेंस है 50-डे मूविंग एवरेज की, इसको क्रॉस करती है तो मार्केट इंशाल्लाह 42,800 तक ज़रूर जा सकती है जी। बैंक्स के बारे में पूछ रहे हैं, इसकी शरिया कंप्लाइंस, तो जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो तो नॉन शरिया कंप्लाइंट हैं, और कुछ इस्लामिक बैंक्स भी हैं जैसे मिज़ान बैंक है और बैंक इस्लामी, तो ये शरिया कंप्लाइंट हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कंप्लाइंस का इशू है तो। G3 टेक्नोलॉजीज़ में एक थोड़ा सा ज़रा आपको, चूँकि डेवलपिंग कंपनी है अभी, इनका जो ऑपरेशंस हैं वो स्टार्ट नहीं हुए, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कुछ शेयर देखना चाहते हैं तो ये इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। और किसी के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कर सकते हैं, वरना हम सेशन को आज के कंक्लूड करेंगे। यूनिटी के बारे में पूछ रहे हैं जी, पाम ऑयल की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, एक्सचेंज रेट, 2-3 इश्यूज़ हैं इसके साथ। एक तो लिक्विडिटी क्रंच इसके पास है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेट इसने एक्वायर किया हुआ है, अब चूंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है तो इसके ऊपर उस चीज़ का बर्डन ज़रूर आएगा, और हर साल 2 साल बाद तकरीबन ये राइट दे देता है, ये भी इसके साथ इशू है। एक्सचेंज रेट जो डेप्रिशिएट होता है उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पेक्ट इसके ऊपर आता है, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड है, और लिक्विडिटी का इशूज इसके साथ हैं, तो इसको अगर लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो वैसे लेवल ये वाला बुरा नहीं है।
इसको अगर आप लॉन्ग टर्म रखें तो ये 24-25 रुपए तक जा सकता है। जी मैपल के बारे में पूछ रहे हैं। मैपल सीमेंट्स की एक बहुत अच्छी कंपनी है। सीमेंट सेक्टर का जैसे ही हमारे पास कुछ सूरत हाल बेहतर होगी तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेवल आज इसने ब्रेकआउट किया, करंट लेवल पे इसको कर सकते हैं एक्वायर। वैसे तो नीचे सपोर्ट इसकी अच्छी तकरीबन कोई 24 रुपए के करीब नज़र आती है, लेकिन ये वाला लेवल भी बुरा नहीं है यहाँ पर लेके, तो तकरीबन ये 32 रुपीज़ तक जा सकता है। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि जो आप पास इलेक्ट्रॉन और दूसरा शेयर है अपना फजी फर्टिलाइजर बिन कासिम जो है, जी जी उनके बारे में आपको क्या है? जी दोनों शेयर्स अच्छे हैं। डैप की भी क्योंकि आउटलुक अच्छी है, मार्जिन जो है वो बेहतर हैं, तो इस हवाले से FFBL अच्छी कंपनी है। और इसके अलावा पेल जो है वो काफ़ी अर्से से अंडर परफॉर्म भी कर रही है और फंडामेंटली देखा जाए तो अच्छी कंपनी। जी मेरा ख्याल है आज के क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, तो आई थिंक वी शुड कंक्लूड आवर सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, और आपसे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।